सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम अब तक आप जान चुके हैं कि सहज मार्ग का मार्ग मार्ग है और इसमें सहज मार्ग की पद्धति पूजा सफाई प्रार्थना है जब हम इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें कई आध्यात्मिक स्थितियां प्राप्त होती हैं तो बाबूजी महाराज ने सत्य कौधे पुस्तक में साक्षात्कार अध्याय में इन पांच स्थितियों का उल्लेख किया है तो आज हम आपके समक्ष वही पांच स्थितियां बताने आए हैं तो जो ये पांच स्थितियां हैं यह होती हैं वसु ध्रुव दुरु, ध्रुवाधिपति पार्शद और महापार्षद और किस किस स्तर पर ये स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं उसका उल्लेख इस अध्याय में है तो अध्याय इस प्रकार से है साधना के क्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों की, की विशेषता है प्रकृति के कार्य के लिए विशिष्ट शक्ति एवं क्षमता की प्राप्ति सबसे नीचे का क्षेत्र पिंड देश है जो वक्त स्थल में स्थित विभिन्न छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बना है यह है पंच विद्या का केंद्र है जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अधिकतर हुआ है जब मनुष्य इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसमें भौतिक तत्व के विज्ञान का सहज ज्ञान स्वतः विकसित हो जाता है जिसे वह समुचित अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकता है पर जहां तक आध्यात्मिकता का संबंध है यह उपलब्धि उसके किसी काम की नहीं अतः एक उचित प्रशिक्षण विधि में उन सभी भौतिक शक्तियों के प्रति साधक को असावधान कर दिया जाता है तथा गुरु की ध्यान शक्ति द्वारा उन्हें पार करने में सहायता दी जाती है जिससे उसका मन केवल शुद्ध आध्यात्मिक विषय के अतिरिक्त अन्य किसी और आकृष्ट ना हो तो यहां पर बाबूजी महाराज बता रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ भौतिक शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं लेकिन सहज मार्ग में उन पर पर्दा डाल दिया जाता है क्योंकि हमें और भी आगे जाना है तो ये जो पहली स्थिति हमें प्राप्त होती है यह प्राप्त होती है पिंड देश का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर आप सब जानते हैं कि पिंड देश का मतलब हृदय क्षेत्र तो हृदय क्षेत्र में जो पांच तत्व हैं जिसको पंच अग्नि बोलते हैं अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश जब इसका पूरा ज्ञान अभ्यासी को हो जाता है तब उसे पहली दशा प्राप्त होती है तो यहां पर बाबूजी महाराज ने लिखा है पिंड देश वक्ष स्थल तो पिंड देश जो है वो हमारे यहाँ पर होता है आप सब जानते हैं हमने ग्रंथियों की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि पिंड देश में कौन कौन से बिंदु होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है तो ये जो पंच अग्नि विद्या है अग्नि जल, वायु, पृथ्वी आकाश ये हमारे पिंड क्षेत्र में होते हैं तो यहाँ का ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें पहली स्थिति प्राप्त होती है और इसमें एक चीज और लिखी है कि इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है हम सब जानते हैं कि एक होती है विचार शक्ति एक होती है इच्छा शक्ति आप सब जानते हैं कि जब बाबूजी के समय में ब्रह्मांड मंडल पर अभ्यासी पहुंच जाता था तो उसे प्रिसेप्टर बनाया जाता था तो प्रिसेप्टर वह व्यक्ति होता था जिसने पिंड देश को पार कर लिया तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसकी विचार शक्ति इच्छा शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी वह तो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यासी के अध्यात्मिक यात्रा में जो भी रुकावटें आती थी उसको साफ कर दिया करता था इसीलिए बाबूजी के समय में ब्रह्मांड मंडल में पहुंचे अभ्यासी को ही प्रिसेप्टर बनाया जाता था। वह तब अपने ऊपर सौंपे हुए छोटे मोटे दैवी कार्य करने की स्थिति में हो जाता है उसका कार्य क्षेत्र उस अवस्था में एक छोटा स्थान होता है जैसे एक कस्बा एक जिला अथवा कोई और बड़ा खंड उसका कार्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्रियाशील वस्तुओं की प्रकृति की मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करना है वह अपने क्षेत्र में वांछित तत्वों का सनिवेश करता है और अवांछित तत्वों को हटाता है उसे ऋषि कहते हैं और उसका पद वसु होता है तो यहां पर बाबूजी महाराज ने कहा है कि जिसका पिंड देश का पूरा ज्ञान हो जाता है उससे फिर कुछ दैविक कार्य भी लिए जाते हैं क्या लिखा है, है बाबूजी महाराज ने छोटे मोटे दैविक कार्य लिए जाते हैं तो ये जो छोटे मोटे दैविक कार्य होते हैं इनकी सीमा होती है वह होती है कोई कस्बा या जिला और ये क्या करते हैं कि जो प्रकृति में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको क्लीन करते हैं और उसकी जगह पर पॉजिटिव जो घृणात्मक हैं उनको हटाते हैं जो घनात्मक विचार हैं उनको डालते हैं तो इस प्रकार से जो ये सबसे पहली स्थिति होती है इसे ऋषि कहा जाता है और सहज मार्ग में इसे वसु कहा जाता है तो बाबूजी महाराज ने कहा है उसे ऋषि कहते हैं और हमारे यहां पर इस पद को वसु कहते हैं तो इसमें हम क्या समझे कि पिंड देश का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर बाबूजी महाराज उस अभ्यासी को वसु का स्थान देते हैं और वसु जो है वह किसी जिले या कस्बे का स्वामी होता है और जितने भी आवांछित तत्व वहां पर होते हैं उनको वो साफ करता है इसके बाद आता है ध्रुव उससे ऊंची स्थिति एवं पद ध्रुव का है उसे ब्रह्मांड मंडल का पूर्ण ज्ञान होता है और उसकी श्रेणी मुनि की होती है उसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत है तथा वस्तुओं पर उसका प्रभुत्व होता है उसका कर्तव्य है वातावरण से समस्त अवांछित विचारों एवं भावों को दूर कर उसे स्वच्छ रखना दैनिक कार्य के अतिरिक्त उसे उस समय के लिए सौंपे गए अन्य अनेक कार्य देखने पड़ते हैं यह अवस्था मानव शरीर में स्थित हृदय के निकटवर्ती क्षेत्र हाइलम साइडो के पूर्णता प्रकाशित होने पर प्राप्त होती है तो जो वसु से अगली स्थिति है वह होती है ध्रुव की तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो वसु है वो ध्रुव के अंतर्गत काम करते हैं तो बाबूजी महाराज ने यही कहा है, वो जो ध्रुव है वह वसु के कार्य देखता है लेकिन उसके अलावा जो कार्य ध्रुव को सौंपे जाते हैं वह उनको भी करता है तो वही चीज बताई है दैनिक कार्य के अतिरिक्त उसे उस समय के लिए सौंपे गए अन्य अनेक कार्य देखने पड़ते हैं अब यह होता कैसे है वसु में पिंड देश में पंच अग्नि विद्या का पूर्ण ज्ञान और इसमें होता है हृदय क्षेत्र में हाइलन सेडो प्रकाशित होने पर उसे ध्रुव की उपाधि दी जाती है क्या लिखा है मानव शरीर में स्थित हृदय के निकटवर्ती क्षेत्र हाइलम सेडो के पूर्णता प्रकाशित होने पर प्राप्त होती है हमने कई बार कहा है कि आध्यात्मिकता दी नहीं जाती कमाई जाती है जैसे कि हम किसी को प्रेसेप्टर बना दें तो प्रेसेप्टर बन नहीं सकता है रिसेप्टर वह तभी बनेगा जब उसके अंदर आध्यात्मिक उपलब्धियां आ जाएंगी और ये उपलब्धियां कैसे आती हैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने से कोई किसी को भी कोई उपलब्धि नहीं दे सकता जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो बाबूजी महाराज ही हमें वहां तक पहुंचाते हैं इसीलिए ये बाबूजी ने स्थितियां बताई हैं जो अभ्यासियों को प्राप्त होती हैं पहली होती है वसु दूसरी होती है ध्रुव और इसके आगे बाबूजी बताते हैं उससे उच्चतर स्थिति ध्रुवाधिपति की है जो ध्रुवों के कार्यों का निर्देशन करता है वह दशा नाभि बिंदु पर अधिकार करने के उपरांत मिलती है उसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है किंतु ये कार्य ध्रुव के कार्य की भांति होता है वातावरण को स्वच्छ करने के प्रतिदिन के कार्य के अतिरिक्त उसे समय समय पर घटने वाली आकस्मिक घटनाओं की भी देखभाल करनी होती है ईश्वरीय कार्य करने वाली ये आत्माएं अत्यधिक अधिक विकसित और अपार क्षमता वाली होती हैं और ये आत्म अभिमान या निज व्यक्तित्व की भावना की बिल्कुल अवज्ञा करके पूर्णता प्रकृति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं इनका कार्य स्वतः और यंत्रवत होता है और इन्हें किसी भी विषय में स्वयं निर्णय करने या अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है अब वसु ध्रुव अब आगे हैं ध्रुवापति ध्रुवाधिपति जो होते हैं वो ध्रुव को निर्देश देते हैं और इसमें बाबूजी ने बताया है कि इनका आत्म अभिमान या निज व्यक्तित्व ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है ये अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते ये जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के आदेश से करते हैं क्या लिखा है इसमें पूर्णता प्रकृति की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और स्वता और यंत्रवद्ध होता है ये अपने आप ही होता है क्योंकि वो अपनी अवध्या कर चुके हैं और ऊपर से जो आदेश आता है उसके अनुसार वह कार्य करते हैं और यहां पे एक चीज और लिखे स्वयं निर्णय करने या अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती वह पूरी तरह से प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं तो ये उपलब्धियां कोई साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती हैं ये उपलब्धियां उन्हीं को मिलती है जो आध्यात्मिकता में बाबूजी के आशीर्वाद से आगे पहुंचते हैं इसके बाद आती है पार्षद की स्थिति जो ध्रुवाधिपति के पद से ऊंची है केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रकृति की अत्यधिक आवश्यकता पर ही किसी को प्रदान की जाती है वे अपने नीचे कार्य करने वाले उपयुक्त विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को निर्देशित तथा व्यवस्थित करता है उन्हें विभिन्न कार्य देता रहता है तथा अपने लिए केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को ही रखता है निर्धारित परिणाम घटित करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति महान कार्यों अथवा युद्धों जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों में कार्य करती रहती है वह प्रकृति द्वारा नियोजित विनाश एवं रचना के सारे कार्य करता है उसका कार्य क्षेत्र केवल इसी जगत तक सीमित है यह स्थिति सहस्त्र दल कमल के केंद्र बिंदु पर मनुष्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर मिलती है अब बाबूजी ने ने ध्रुवाधिपति से ऊपर की अवस्था बताई है पार्षद। लेकिन इसमें यह बता दिया है कि ये जो पद है ये असाधारण स्थिति में मिलता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होना है या कोई परिवर्तन लाना है तब जाकर क्या लिखा है असाधारण परिस्थितियों में प्रकृति की अत्यधिक आवश्यकता पर प्रदान किया जाता है और ये अपने नीचे के जितने भी ध्रुवाधिपति हैं उनको ये आदेश देता है उन्हें विभिन्न कार्य देता रहता है तथा अपने लिए केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य रखता है अब ये अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे दुर्गाधिपति जो है वो केवल ईश्वर के आदेश को मानता है और अपनी अवज्ञा करता है लेकिन ये जो पार्षद है यह अपनी इच्छा शक्ति से परिवर्तन करवा सकता है प्रकृति द्वारा नियोजित विनाश एवं रचना के सारे कार्य करता है तो ये प्रकृति में जो भी नई चीज होनी है या कोई विनाश होना है उसको भी देखता है कार्य क्षेत्र केवल इसी जगत तक सीमित है लेकिन यहां पर ये बता दिया कि इसी जगत तक ही इसका कार्य सीमित है ये इस जगत से बाहर कार्य नहीं कर सकता मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का ये स्वामी नहीं होता है और ये कब बनता है जब सहस्त्र दल कमल का उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि हर एक बिंदु पर ये उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जैसा कि आपने देखा कि वसु का पद आपको तब मिलता है जब पंच अग्नि विद्या का आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके बाद जो ध्रुव का पद है वो तब मिलता है जब हाइलम सेडो प्रकाशित हो जाता है उसके बाद जो ध्रुवाधिपति है वो वो तब होता है जब आपका पूरा नाभि का ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है और ये जो पार्षद है ये स्थिति आपको तब मिलती है जब सहस्त्र दल का आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है इस प्रकार से ये पद हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें मिलते हैं जैसे आप संत कस्तूरी के पत्रों में भी पढ़ेंगे बाबूजी महाराज ने कहा कि अब तुमने शून्य की दशा को पार कर लिया है और अब तुम पार्षद की स्थिति पे आ गए हो तो ये आध्यात्मिक यात्रा में जो हमें उपलब्धियाँ मिलती हैं उसके अनुसार बाबू महाराज हमें ये पद देते हैं और सबसे ऊपर का जो पद है वो है महापार्षद का तो महापार्षद के पद के लिए बाबूजी महाराज ने लिखा है महापार्षद की स्थिति सर्वोच्च है यह अंतिम दैवी पद है जो किसी को विरले ही दिया जाता है वह भी तब जब प्रकृति को घोर परिवर्तन करने की अथवा दुनिया को बदलने की आवश्यकता होती है उसमें सर्वोच्च शक्ति होती है यह अनुकपाल सिर के पिछले भाग की हड्डी ऑक्सीपिटल बोन के धायनी क्षेत्र से जैसा कि राजयोग का दिव्य दर्शन में दर्शाया गया प्रारंभ होता है ये राजयोग की अद्भुत उपलब्धियां हैं जिन्हें मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इसके लिए वस्तुता उद्यत तैयार हो और उचित निर्देशन में सही मार्ग पर अग्रसर हो सके तो बाबूजी महाराज ने कहा है कि जो महापार्षद की स्थिति है ये विरले ही लोगों को मिलती है या यूं कहो कि पांच हजार दस हजार साल के बाद ही कोई महापार्षद की स्थिति पर आता है इसमें अवतार भी आ जाते हैं तो ये विरली स्टेज में ही किसी को मिलती है उसके बाद लिखा है कि क्या लिखा है प्रकृति को घोर परिवर्तन मतलब प्रकृति में युग परिवर्तन करना हो या कोई बहुत बड़ा चेंज करना हो तभी महापार्षद की स्थिति किसी को प्रदान की जाती है और एक चीज और बोला है कि यह है दैवी पद यह अंतिम है इसका अर्थ यह हुआ कि इस सृष्टि में जो भी अध्यात्म की यात्रा में जाता है उसकी उच्चतम पहुंच महापार्षद हो सकती है क्योंकि यह दैवी पद में अंतिम अवस्था है और उसके बाद एक और चीज लिखी है कि यह अनुकपाल सिर के पिछले भाग की हड्डी ऑक्सीपिटल बोन के दाहिने क्षेत्र से जैसा कि राजयोग के दिव्य दर्शनोदय प्रारंभ होती है जिसको कि हम केंद्रीय क्षेत्र बोलते हैं आपने देखा होगा यह है हमारे ऑक्सीपिटल बोन जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें जब हमारी यात्रा शुरू होती है तब आपको प्राप्त होती है तो सहज मार्ग में अभ्यासी जब केंद्रीय क्षेत्र से सात प्रकाश की वित्त पार करता हुआ आगे पहुंचता है तब किसी विरले को ही ये महापार्षद की स्थिति मिलती है तो आपने समझा कि ये जो पांच स्थितियां हैं यह देवी पद हैं वसु ध्रुव दुरु, ध्रुवाधिपति पार्षद और महापार्षद ये यूं ही नहीं मिल जाते हैं जब हम पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं और श्रद्धा भाव से सतत स्मरण में रह के बाबू की सतत याद तक पहुंच जाते हैं तब बाबूजी की प्राण आहुति की मदद से हम आगे की ओर बढ़ते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें ये वाले पद अगर बाबूजी चाहें तो हमें प्राप्त होते हैं तो सबसे नीचे का जो है ऋषि जो कि वसु कहलाता है दूसरा है मुनि जो कि ध्रुव होता है ध्रुव के ऊपर द्रुवापति ध्रुवाधिपति के ऊपर पार्षद और पार्षद के ऊपर महापार्षद और अंत में बाबूजी महाराज ने क्या लिखा है ये राजयोग की अद्भुत उपलब्धियां जिन्हें मनुष्य तभी प्राप्त करता है यहां पे लिखा है तभी प्राप्त करता है यह किसी के द्वारा दी नहीं जाती है हमारे समर्पण के बाद ही ये दैवी पद हमें मिलते हैं जब वह इसके लिए वस्तुता तैयार हो और उचित निर्देशन में सही मार्ग पर अग्रसर अब आपने देखा यहां पे लिखा है उचित निर्देशन सहज मार्ग पद्धति बाबूजी महाराज के द्वारा बनाई गई है और बाबूजी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है वह भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनका संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना तो उन्होंने जो पद्धति बनाई है पूजा सफाई प्रार्थना अगर हम उसको सही तरीके से उसका पालन करेंगे तभी आगे हम आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे लेकिन ये आध्यात्मिक उपलब्धियां भी बाबूजी महाराज द्वारा ही दी जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं दी जा सकती क्योंकि महासमाधि लेने के बाद बाबूजी महाराज प्रकृति के कण कण में विद्यमान है अब जो भी व्यक्ति हैं, वे केवल सहज मार्ग लोगों को बताते हैं और वो पद्धति का जो कोई पालन करता है तो बाबूजी महाराज द्वारा उसको प्राणाहुति नियमित रूप से मिलना शुरू हो जाती है तो यहां पर लिख दिया है उचित निर्देशन में सही मार्ग अगर आप बाबूजी की पद्धति में थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते बाबूजी महाराज ने खुद एक लेख लिखा है समुन्द्र खो बैठे जहां पर बाबूजी महाराज ने कहा था कि इक्का दुक्का भी तैयार नहीं हुआ उसका कारण था कि जो बाबूजी महाराज ने पद्धति दी थी वह उसका पालन नहीं कर रहे थे ये सत्य के उदय पुस्तक का अंतिम अध्याय है साक्षत का और यहां पर बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पद्धति मैंने बताई है अगर उसका पालन करोगे तभी होगा बाबूजी महाराज की जो प्रार्थना है हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है तो बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है इसका ये अर्थ है कि बाबूजी महाराज के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता ये पूरी पद्धति बाबूजी द्वारा संचालित की जाती है ये पूरी प्राण आहुति बाबूजी के ही निर्देशन में हम लोगों को मिलती है इस पर पूर्ण अधिपत्य बाबूजी महाराज का ही है तो प्राण आवुति क्या है वह शक्ति जिसने सृष्टि का निर्माण किया था जब बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में आ जाती है तब वह प्राण आवुति कहलाती है आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा शक्ति अनुग्रह और प्राण आवुति में क्या भेद है ये तीनों चीजें अलग हैं तो बाबूजी महाराज ने ये सिस्टम पूरा सैद्धांतिक बनाया है और मैं आह्वान करता हूँ जो भी इस बाबूजी महाराज की पद्धति का पालन करेगा वह अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार और बाद में भूमा साक्षात्कार को प्राप्त करेगा क्योंकि यह बाबूजी का संकल्प है